DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. परेशानी ये है, राशन की दुकान जाते हैं तो राशन वाला कहता है कि आपका खाद्य सुरक्षा में कभी नाम है या कभी लिया है क्या, और पार्षद हमारा बाहर का है, वार्ड है एक ही 43-44 से वार्ड रखा है और पार्षद को क्या परेशानी आ रही है सर? राशन के जाते हैं तो राशन वाला कहता है कि आपका मजदूर कार्ड बना हुआ है, ये राशन चालू हुआ है कभी, ऑनलाइन कराओ और ये परेशानी अभी तक कुछ भी सुविधा नहीं मिली है, और वार्ड दो हैं और दोनों पार्षद बाहर के हैं, कोई सुनवाई नहीं दोनों पार्षद के अलावा। कौन कौन पार्षद है आपके? एक तो है संतोष मौर्य, एक लाला बना। अच्छा, क्या दोनों पार्षद के भी आए यहाँ पे? अभी तक तो लॉकडाउन के अंदर अभी तक नहीं आए। क्यों, ऐसा क्यों, क्या पता क्या है? 22 तारीख से लॉकडाउन चल रहा है और आम जनता कितने लगभग घर हो गए आपके यहाँ पे? कम से कम 150 घर होंगे जिनको कोई सुविधा नहीं मिली है। 150 घरों में दोनों पार्षद ने खाना अभी तक भी पहुँचाया? पहुँचाया हो तो अपने अपने को दिया हो, हमारे तक तो अभी ऐसे हैं जिनको कोई सुविधा नहीं मिली। क्या नाम है पार्षदों के आपके दोनों के? एक लाला बना है और एक संतोष मौर्य। कहाँ पर दोनों वार्ड कौन कौन से? एक 44 और एक 43 है। कौन सी जगह है ये? पाल बिछला है। आपका नाम? राजेश सैनी। नमस्कार, मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं इस वार्ड का नागरिक हूँ। यहाँ पर क्या है, ये 150 नाम है जिनका राशन कार्ड से नाम, ये कह के उनको मना कर दिया गया, राशन सामग्री नहीं दी गई है कि तुम्हारा राशन कार्ड बंद हो गया है, और खाद्य सामग्री जो सरकार की द्वारा बांटी गई थी वो इनमें से किसी को कुछ भी नहीं मिला है, और वो पर्सनल प्रॉपर्टी पे बांटी गई है, और वो उन लोगों को बांटी गई है जो पर्सनल है, और जो खास मिलने वाले हैं, और कईयों को 5-5 कट्टे मिले हैं, कईयों को कितने कट्टे मिले हैं, पर इन बेचारों को कुछ भी नहीं मिला है। क्या मानते हो, राशन दुकानदार या धांधलेबाजी कर रहा है? ये धांधलेबाजी चल रही है, और प्रशासन से मांग है, हमारी प्रशासन से ये मांग है कि वो इन लोगों गरीबों की सुने जो रोड पे निकल के आ गए, और ये अभी जुलूस लेके जा रहा था, इनको मैंने रोका है, ये लोग बहुत परेशान है और पेट से दुखी है भाई साहब। कौन सी राशन की दुकान है जो धांधलेबाजी कर रहा है? राशन की दुकान नहीं हो रही है, ये धांधलेबाजी हो रही है कि प्रशासन से, ये धांधलेबाजी जो चल रही है वो उनके द्वारा चल रही है जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो बिल्कुल भी वाजिब लोगों को कुछ नहीं बांटते हैं, वो उनको बांट रहे हैं जो उनके प्रचारक हैं, उनको सहयोग करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो पेट भरे हुए हैं, इनमें से जो भूखे हैं वो बेचारे घूम रहे हैं, और उनको पुलिस डंडा मारती है, उन बेचारों को घर में भेज देती है, और यहाँ के नागरिक, यहाँ के रोड के, यहाँ के वार्ड के वासी ऐसे हैं कि वो इस पूरी सरकार का सहयोग कर रहे हैं, इस लॉकडाउन का सहयोग कर रहे हैं, ये वो लोग पूरी जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू का सहयोग कर रहे हैं, और आज निकले हैं ये, जब ये कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया है वार्ड, नहीं तो ये बेचारे घर में रो रहे थे। लॉकडाउन चल रहा है जब से, उनको सामग्री नहीं मिली, इन बेचारों को नहीं मिली, याद ये जा रहे थे, ये रो रहे आप तो ये खड़े रहो, आप बताओ इन लोगों को कोई सामग्री नहीं मिली है, ये पूरी लिस्ट है, मैं कलेक्टर साहब के समक्ष ये ज्ञापन देने जा रहा हूँ कि इन लोगों को बेचारों को सामग्री दी जाए। मुझे माननीय अनिता बदेल जी को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि कितने जनों को नहीं मिली, मैंने कहा साहब 150 जनों की लिस्ट तो मेरे पास है, बोले पवन जी 150 जनों का नाम लिख के मुझे भेजो, हम लोग बांटेंगे, इन सबको बांटेंगे, गाड़ी जाएगी। और मैंने DSO साहब नीरज जी जैन को फ़ोन करा। यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद हमारे सुरेंद्र सिंह जी शेखावत लाला बना है। उनको आपने कभी कहा? उनको भी हमने कहा, तो कल हम गए थे तोपदड़ा स्कूल में गए थे तो लाला बना ने भी हमको आश्वासन दिया कि अगर तुमको नहीं बटाए तो मैं पर्सनल बांटूंगा, पर हम क्या करें, इन लोगों का राशन कार्ड भी बंद है, DSO साहब ने कहा कल मैं राशन कार्ड चालू कर दूंगा, आज उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, गौरव जी पाठक ने कहा है आप मुझे लिस्ट देना मैं उन सबको बांटूंगा। ये वार्ड नंबर 43 और 44 है, ये बहन भाइयों का बंटवारा है वार्ड का। किसका? आपका नाम? मेरा नाम पवन। वार्ड 43 के अंदर जो BLO के माध्यम से सामग्री का वितरण किया गया, वो BLO ने खुद ने लिस्ट बनाई थी, उसमें ना तो किसी पार्षद का सहयोग लिया गया और ना ही किसी कार्यकर्ता का सहयोग लिया गया, और उन्होंने अपने हिसाब से लिस्ट को बनाकर और प्रशासन को दे दिया, और प्रशासन ने उस लिस्ट के आधार पर वो वितरण किया। और उसके अलावा वार्ड 43 के अंदर जिस प्रकार से मेरे वार्ड में, मैंने स्पष्ट रूप से मेरे कार्यकर्ताओं को कह रखा है, जहां भी किसी प्रकार की कोई कमी हो मुझे बताओ, मैं
प्रशासन करे ना करे, मैं स्वयं उस कमी को दूर करूंगा। जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में गुजराती तोबदड़ा क्षेत्र जो है, गुजराती मोहल्ला सिंधी तोबदड़ा के अंदर आता है, वहां पर समस्या थी, तो लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के अंदर हमने वहां पर खाने की व्यवस्था, वहां एक प्रकार से वहां गैस के सिलेंडर दे दिए, राशन की सामग्री दे दी, और 4-5 महिलाओं से बात करके उन 300 जनों का खाना सुबह और शाम का वहीं बनता था, रोज उनकी सब्जियां पहुंच जाती थी। और वहां पर हमने उन बस्ती को कहा कि आप अपने आप बनाओ, अपने आप बांटो, अपने अपने घरों पे ले जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, इस प्रकार से हमने व्यवस्था करी। उसी प्रकार से बैरवा बस्ती के अंदर 100 जनों का भोजन दोपहर का और 100 जनों का शाम का भोजन लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के अंदर हमने वितरित किया। उसके बाद मैंने अपने ये जो सब कुछ किया, ये हमने प्रशासन की मदद लिए बिना अपने माध्यम से मैंने किया, मैंने स्वयं ने किया। और उसके अलावा जब लॉकडाउन सेकंड खत्म हुआ तो मैंने इन सब बस्तियों में राशन, सूखे राशन के किट वितरित किए, लगभग 250 राशन के किट दिए गए। और वहां के कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर पे समस्या है, कईयों ने प्रशासन से लाभ भी लिया हो तो भी वो आए, तो किसी को मेरे यहाँ मना नहीं किया गया, ना मैंने किसी को मना किया। और आज भी मैं कहता हूँ जो 100 कट्टे अभी नगर निगम ने दिए, वहीं कार्यकर्ताओं से लिस्ट बनाई और कार्यकर्ताओं ने उनको वितरित किया। और उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं को अभी मैंने कहा कि और लिस्टें बना लो, जिनके राशन चालू नहीं है, जिनके सामग्री नहीं पहुंची है, उनको देने की भी हिम्मत रखता हूँ, क्षमता रखता हूँ। और वहां पर वो कार्यकर्ता वो काम भी कर रहे हैं। अगर किसी के यहाँ राशन नहीं पहुंचा या कोई विरोध कर रहा है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मैं प्रशासन की बात नहीं करता, मैं मेरे माध्यम से उनकी पूर्ति पूरी कर दूंगा, मुझे अवगत कराएं। जिस तरह से रेलवे कॉलोनी का एक क्षेत्र मेरे पास आता है, उसमें आउट हाउस वाले थे, उन्होंने अपनी अपनी सूचियां दी, उन सूचियों के आधार पर उनको पूरा किट कंप्लीट, तेल उसमें, चावल, दाल, आटा 10 किलो का, इस तरह की सारी किट बना के सबके घरों पर पहुंचाया गया। और एक बार नहीं, दो दो बार सबको किट मेरे द्वारा दिया गया है। और उसके बाद जिसके पास नहीं पहुंचा और सामग्री नहीं है, आज भी सुरेंद्र सिंह शेखावत तैयार है, वो मेरे पास कार्यकर्ता लिस्ट लेकर आए और मैं उनको दूंगा। कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव मेरे यहाँ पर नहीं है। और मैं पुनः मेरे वार्ड के निवासियों को निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, कोई भी समस्या हो आप निश्चिंत तौर पर, मेरा नंबर आपके पास है, मुझे फोन करें और मेरे फोन पे आप लिस्ट भेजें, मैं उनको सामग्री पहुंचाऊंगा। लेकिन अभी तक जितने भी लोग मुझे मिले, किसी को मैंने मना नहीं किया, और किसी को सामग्री के लिए प्रशासन स्तर पर जो आया वो प्रशासन ने दिया, और मेरे स्तर पर जो मैं कर सकता था वो किया और कर्तव्यबद्ध हूँ जब तक ये लॉकडाउन चलेगा, जब तक करता रहूंगा। आप लोगों को किसी को कोई परेशानी हुई तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।